आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई है। बढ़ते खबरों की शुरुआत। भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। समर्थ सहारा परिवार आपसे निवेदन करता है कि अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। मजदूर लोगों को 500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। जहां एक और देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल से कोटा के लिए स्पेशल बसों द्वारा बड़े लोगों के बच्चों को बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देखना होगा कि गरीब मजदूर वर्ग जो 300-400 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर चलने के लिए मजबूर है। क्या शासन प्रशासन द्वारा बड़े लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए क्या किसी प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी? हमारा तुम्हारा क्या नाम है? ये पैदल कहाँ से आ रहे, कहाँ तक पैदल जाओगे? अभी हम उदयपुर से आ रहे हैं। तो पैदल कहाँ जाओगे? डिंडोरी चलना है। आपके लिए शासन द्वारा किसी प्रकार की बस या खाने पीने की व्यवस्था की जा रही नहीं की जा रही? कुछ नहीं है सर। तो क्या पैदल ही जाओगे? पैदल ही जा रहे हैं। कितने किलोमीटर पैदल चलोगे? अभी यहाँ से मान ले 300 किलोमीटर। और पैदल चलोगे? कितने दिन हो गए पैदल चलते? 3 दिन हो गए। सर एक और देखा जा रहा है कि भोपाल से कोटा के लिए स्पेशल बस पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर गरीब मजदूर 200-300 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चों को लेके पैदल चल, उनके लिए प्रशासन और किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को सबकी चिंता है और इस संबंध में हमें निर्देश भी मिले हैं कि जो भी बाहर के मजदूर रुके हुए हैं उनको बाकायदा पंचायत में ही रोका जाए और उनके लिए भोजन आदि का प्रबंध किया जाए। अब चूंकि सरकार अभी नई जानकारी भी ले रही है कि ऐसे कितने मजदूर जो अन्य राज्यों से हमारे जिले में हैं या हमारे जिले के अन्य राज्यों में हैं या अन्य जिलों में हैं, ऐसे सभी मजदूरों की जानकारी मंगाई जा रही है और सरकार इस संबंध में जल्द ही कोई ऐसा निर्णय लेगी जिसे इनको उनके घर पहुँचाया जा सके।